हम सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब्जियां हमारे लिए कितनी न्यूट्रिशियस होती हैं। तो आज मैं लाई हूँ ऐसी इजी और हेल्दी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बाजार से मिलने वाले किसी भी सूप से कहीं बेहतर है। वेजिटेबल सूप रेसिपी के लिए हमने ली है चॉप की हुई आधा कप पत्ता गोभी, आधा कप मटर के दाने, चॉप किया हुआ एक टमाटर, बारीक काटा हुआ एक प्याज, बारीक काटी हुई एक छोटी शिमला मिर्च, बारीक काटी हुई 4 से 5 लहसुन की कलियां, बारीक टुकड़ों में काटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बारीक काटी हुई एक हरी मिर्ची, तकरीबन आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट और तकरीबन 2 चम्मच जैतून का तेल। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सूप के लिए स्लरी तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए एक कटोरी में तकरीबन आधा कप पानी डालें और इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट डालकर घोल दें। इसे हम सूप को थोड़ा थिक टेक्सचर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके लम्ब्स पानी में अच्छे से डिजोल्व कर दें और इसे फिलहाल अलग रख दें। अब सूप पकाने के लिए एक गर्म कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच जैतून का तेल डालें। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल हमारी हेल्थ के लिए किसी भी तेल से ज्यादा फायदेमंद है। जब तेल गर्म हो जाए तब गैस मीडियम पर सेट करें और इसमें डालें बारीक टुकड़ों में काटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बारीक टुकड़ों में काटी हुई 4 से 5 लहसुन की कलियां, और बारीक काटा हुआ 1 प्याज डालकर इसे 30-40 सेकंड्स के लिए भूनकर थोड़ा सॉफ्ट कर लें। अब इसमें डालें 1 बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, 1/2 कप मटर के दाने डालकर इन्हें तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लें ताकि मटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें डालें बारीक काटी हुई 1 छोटी शिमला मिर्च और बारीक काटी हुई 1/2 कप पत्ता गोभी डालकर इन्हें और 1 मिनट के लिए भून लें। इस वेजिटेबल सूप में आप अपने पसंद की कोई और सब्जियां जैसे फूलगोभी, गाजर या स्वीट कॉर्न्स भी डालकर बना सकते हैं। अब इसमें डालें तकरीबन 1/2 चम्मच नमक और तकरीबन 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालकर इसमें अच्छे से मिला दें। सूप बनाने में हम सिर्फ इन्हीं 2 मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालकर मिला दें और इसे हम मीडियम गैस पर तकरीबन 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। पांच मिनट ढककर पकाने के बाद अब हम इसमें चॉप किया हुआ 1 टमाटर डाल देंगे। टमाटर हम लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि बाकी सब्जियों के मुकाबले टमाटर बहुत जल्दी पककर सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि सब्जियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब सूप का टेक्सचर थोड़ा थिक करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालकर मिला देंगे। सब्जियों से भरपूर वेजिटेबल सूप देखने में भी बहुत कलरफुल लग रहा है। लास्ट में थोड़े चॉप किए हुए धनिया पत्तों से सजाकर वेजिटेबल सूप सर्व करें। ये बहुत ही पौष्टिक और सेहत से भरपूर सूप है जिसे हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आज की ये हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिया बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।